जो चलते हैं मेंटल मैथ क्लास 7 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। तो बच्चों चलते हैं, यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर है बच्चों यहां पर 11, ठीक है। द पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंसी ऑफ मेडियंस ऑफ ए ट्रेंगल इज नोन एज, ठीक है बच्चों। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये फिल इन द ब्लैंक दे दिया, सेंट्रॉइड बोलते हैं उसको बच्चों यहाँ पर, ठीक है। देखो दोबारा, द पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंसी ऑफ मेडियंस ऑफ ए ट्रेंगल इज नोन एज सेंट्रॉइड। तो यहाँ पर मैं आपको देखो ये करके दिखाता हूँ। मान लीजिए ये कोई भी ट्रेंगल है, ये इस तरीके से ट्रेंगल है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मेडियन जो होती है अपोजिट साइड को क्या कर देती है, बाइसेक्ट कर देती है इस तरीके से। यहाँ से फिर ये आ गई, ठीक है, फिर ये आ गई। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं बच्चों। यहाँ पर आप इसको सेंट्रॉइड लिख लीजिए, ठीक है बच्चों यहाँ पर। और अब हम करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 12 यहाँ पर करेंगे, इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पर मैंने इसको पहले से बना के रखा है। आइए करना शुरू करते हैं। तो 11 को तो आप सेंट्रॉइड लिख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम करने वाले 12। तो देखो यहां पर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लिख लेते हैं। देखो यहां पर क्या गिवन है, इन ट्रायंगल बच्चों, यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, एबीसी के ट्रायंगल के अंदर क्या है, एंगल बीएडी, एंगल बीएडी इज एन एक्सटीरियर एंगल, इज एन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है बच्चों। यहां पर तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल यहाँ पर मैं बता देता हूँ, एंगल बी ए डी, ठीक है, बी ए डी इक्वल होगा किसके, एंगल बी और प्लस एंगल सी के इक्वल होगा, ठीक है। क्यों होगा वो यहाँ पर मैंने पहले भी वीडियो में लिखा और अब फिर लिख देता हूँ, ठीक है। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है बच्चों। यहां पर ये आपको लिखना चाहिए इस तरीके से, तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर बी ए डी तो है बच्चों एक्स का, और ए बी और सी ये एक तो है 48 डिग्री और सेकंड है 30 डिग्री। तो यहाँ पर इनकी दोनों की वैल्यू क्या होगी, ऐड कर लेते तो 8 और 4 और 3 78 आ गया बच्चों यहाँ पर। तो एक्स की वैल्यू 78 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। अब हम करेंगे एक क्वेश्चन नंबर 13। आप पहले इसको रीड कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखो, द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू इट्स थर्ड एंगल, ठीक है बच्चों, फाइंड द थर्ड एंगल, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्या लिखा है कि सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू इट्स थर्ड एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर दो एंगल का सम किसके इक्वल है, थर्ड एंगल के इक्वल है। आइए मैं करना शुरू करता हूँ। देखो यहाँ पर मैं एक छोटी सी फिगर बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या इक्वल है, मान लीजिए ये एक्स का है ये भी एक्स का है, तो ये थर्ड एंगल क्या होगा, ये मैंने वैसे बनाया बच्चों फिगर, तो इनके सम के इक्वल होगा, यानी 1x और 1x 2x, तो ये 2x का होगा, ठीक है बच्चों। आइए इसको लेट कर लेते हैं, यहाँ पर मैं ए बी सी लिख लेता हूँ, ठीक है। लेट इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है बच्चों, एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, और ये इक्वल मैंने किसके लिया है, एक्स के लिया है, और साथ ही एंगल सी जो होगा इन दोनों के सम के इक्वल होगा, यानी 2x के इक्वल होगा। आइए करना शुरू करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये आपको मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप इनको लेकिन आंसर में जरूर लिखिए जब भी आप करते हैं। तो x, तो a है x डिग्री का, b भी है x का, और c है हमारा 2x का, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो थर्ड एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये जो सी वाला, तो 2x 3x 4x, तो 4x हो गई बच्चों यहाँ पर, तो 180 डिग्री। x की वैल्यू निकालते पहले बच्चों यहाँ पर,
ठीक है, तो 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर ये डिवाइड में आ गया, तो 4 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो 45 आ जाएगा बच्चों जब आप इसको, तो x की वैल्यू तो आ गई बच्चों 45। कहने का मतलब है a भी 45 का है, b भी 45 का है, तो लेकिन हमें तो थर्ड एंगल फाइंड करना था ना, एंगल c फाइंड आउट करना था, तो ये था बच्चों 2x, यानी कि 2 × 45, और 45 2 जा क्या होता है 90, तो 90 डिग्री का आ गया बच्चों ये एंगल। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पर 14। ठीक है, आइए उसको रीड कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आइए, तो लिखा इन ए ट्रायंगल वन एंगल इज 3 द स्मॉलेस्ट एंड अनदर 1:2 द स्मॉलेस्ट, फाइंड द एंगल्स। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो स्मॉलेस्ट एंगल हमें फाइंड करना है सबसे पहले। क्यों करना है? क्योंकि एक एंगल लिखा है कि स्मॉलेस्ट एंगल का 3 है और दूसरा लिखा स्मॉलेस्ट एंगल का 2 है। ठीक है, तो हमें एंगल फाइंड आउट करना है। आइए कैसे करते हैं, यहाँ पर भी बच्चों हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, मान लीजिए ये यहाँ पर इस तरीके से ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी, इस तरीके से। अब मान लीजिए ए क्या है, स्मॉलेस्ट एंगल है, मान लो ये एक्स का है, और ये बी जो है ये 2 है स्मॉलेस्ट एंगल का, तो यानी ये 2x का हो गया, और ये जो सी है ये 3 एंगल है यानी 3x का हो गया, इस तरीके से। ठीक है, आइए लेट इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल ए इक्वल एक्स डिग्री, एंगल बी इक्वल 2x डिग्री, और एंगल सी इक्वल 3x डिग्री, ऐसे ही तो क्वेश्चन में लिखा है 2 और 3। ठीक है बच्चों, और इनका हमें सम मालूम है कितना होता है, 180 होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी, यहाँ पर मैं ये लिख रहा हूँ प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ए हमारा एक्स का है, बी हमारा 2x का है, और सी क्या है 3x का, क्योंकि 3 से है यहाँ पर, तो 180 डिग्री, तो इनको ऐड करते 3 और 2 5 और 1 6, तो 6x आ गया बच्चों इधर 180। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, 6 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, इधर आकर डिवाइड की फॉर्म में आ गया। अब 6 से इसको डिवाइड करते हैं, 6 1 जा 6 6 3 जा 18, 0 के 0, तो x इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो x क्या था, a था, तो एंगल a की वैल्यू तो आ गई बच्चों 30 डिग्री यहाँ पर, और b की भी निकाल लेते हैं, तो b हमारा था 2x का, तो कहने का मतलब है 2 × 30, तो यानी 32 जा 60, तो 60 डिग्री आ गया। एंगल्स सी हमें निकालना, वो था 3x का, यानी कि 3 × 30, 33 जा 90, तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे क्या हो गए, एंगल फाइंड आउट हो गए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया है। अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 हम करते हैं, और इसकी फिगर मैं पहले बना लेता हूँ, जो गिवन है यहाँ पर इस तरीके से ऐसे। ठीक है, और इस तरीके से मैं हाथ से बना रहा हूँ बच्चों, थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो उसको इग्नोर कर दीजिए। तो ये P, Q और यहाँ पर R। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये वाला हमें करने वाले हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द गिवन फिगर, ये देख लिया आपने, आइए हम इसको करना शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर तो गिवन है 30 डिग्री, और यहाँ पर बच्चों है एक्स, और यहाँ पर ये साइन है। अब इस साइन का मतलब आप जानते होंगे, जी हाँ 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है बच्चों, तो एंगल पी है अपना 90 डिग्री का, और एंगल क्यू है 30 डिग्री का, और एंगल आर है यहाँ पर एक्स डिग्री का। ठीक है बच्चों, इस तरीके से तो तीनों एंगल का सम क्या होता है बच्चों, वो हम लिख लेते हैं, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, तो ये होता है इक्वल 180 डिग्री का। ठीक है, तो पी की वैल्यू 90 डिग्री है यहाँ पर, क्यू की वैल्यू 30 डिग्री है, और आर की है एक्स, तो हमें एक्स की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इनको ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 120 प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से तो 120 इधर प्लस का, इसको हम राइट हैंड साइड की तरफ ले आते हैं, इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा।
ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। तो x की वैल्यू बच्चों आ गई यहाँ पर 60 डिग्री, जब माइनस करेंगे तो 60 डिग्री आ गई। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, इसमें से सीख कर आप दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।